discuss about the lathe machine. What is the lathe machine? What are the principle of the lathe machine? And what are the operation of the lathe machine? And what are the classification of the lathe machine? The lathe machine is the example of the machine tool which is used to material different operational configuration like that turning, boring, drilling, facing, grooving, threading, knurling, paper turning, steeping, reaming, taping, etc. ठीक है, मतलब कि क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ लेथ मशीन, लेथ मशीन है एक मशीन टूल है, ठीक है, जिसमें हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं. क्या क्या ऑपरेशन होता है? पहले आपका टर्निंग होता है, बोरिंग होता है, ड्रिलिंग होता है, फेसिंग होता है, ग्रूविंग होता है, थ्रेडिंग होता है, नर्लिंग होता है, टेप टर्निंग, पेपर टर्निंग हो गया, इसके बाद स्टेपिंग हो गया, रिमिंग और टैपिंग. दिस आर द ऑपरेशन ऑफ द लेथ मशीन. ठीक है ना, तो ये लेथ मशीन में यही ऑपरेशन हम लोग करते हैं. ठीक है ना, लेथ मशीन इज अ कॉमन lathe machine is a common machine which is widely used to make a casting and forging material to its final shape as per given drawing. जो आपका मटेरियल कास्टिंग और फोर्जिंग होने के बाद, ठीक है ना, आपका मटेरियल कास्टिंग और फोर्जिंग होने के बाद जो मशीन शॉप में आता है उसका आपका फाइनल शेप हम लोग देते हैं आपका लेथ मशीन पे. तो ये इनिशियल स्टेज आपका लेथ मशीन है जिसपे बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं. ये सारे आपका ऑपरेशन कॉन्फिग्रेशन है आपका लेथ मशीन का, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. अब लेथ मशीन कैसा होता है उसका एक आपका डायग्राम को हम लोग देखते हैं, मतलब उसके स्पेसिफिकेशन ऑफ द लेथ मशीन. लेथ मशीन का क्या स्पेसिफिकेशन है उसको हम लोग देखते हैं. स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन का क्या स्पेसिफिकेशन है उसको हम लोग देखते हैं. देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम हम आपको प्लॉट करेंगे, उसके थ्रू आपका काइनेमेटिकल डायग्राम को शो करेंगे आपका लेथ का. ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पहला चीज आता है, दैट इज द हेड स्टॉक. ठीक है, ये क्या हो गया आपका हेड स्टॉक हो गया. ठीक है, इसको आप यहां पे शो करो, लिखो हेड स्टॉक. हेड स्टॉक के बाद आता है आपका चक. ये क्या हो गया आपका चक. ठीक है, इसका नाम दे दो आप चक. चक भी आपका डिफरेंट टाइप का होता है. फर्स्ट क्या होता है, फोर जॉ चक और थ्री जॉ चक. तो आपको इसमें जॉ बनाना है,
ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया जौ, इसका नाम दो जौ। जौ का काम क्या है, टू होल्ड द आपका वर्कपीस, वर्कपीस को होल्ड करके रखता है। यहाँ पे आपका लर्निंग पोर्शन होता है, ये आपका लर्निंग पोर्शन होता है, ये जॉब का, यही आपका जॉब का लर्निंग पोर्शन होता है, ये जो आपका होता है जॉब का, ये आपका लर्निंग पोर्शन होता है, ठीक है, ये आपका लर्निंग पोर्शन होता है, लर्निंग पोर्शन हो गया, मतलब ये ग्रिपिंग पर्पज के लिए होता है, ठीक है, जॉब, और ये आपका हो गया लर्निंग, लर्निंग ऑफ जॉब, इसका काम क्या, टू होल्ड द जॉब, टू होल्ड और ग्रिप द जॉब, ग्रिप द जॉब, जॉब को होल्ड करना और ग्रिप प्रोवाइड करना, इसका काम है आपका, इसका काम है आपका जॉब का काम है, ठीक है, इस तरह का लर्निंग आपका कटा होता है। फिर इसके बाद आता है ये इसको कहते हैं आपका स्पेंडर, ये क्या हो गया आपका, इसको कहते हैं स्पेंडर, इसका नाम दे दो आप यहां पे दे दो, इसको कहते हैं स्पेंडर, या आपका सेंटर भी कहते हैं इसको, सेंटर, सेंटर ऑफ हेडस्टॉक, हेडस्टॉक का सेंटर, ठीक है। फिर इसके बाद आपका इसका जो एक्सिस होता है, ये एक्सिस हो गया, सेम एक्सिस पे लाइज करेगा आपका टेल स्टॉक का सेंटर, ठीक है, ये आपका टेल स्टॉक हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है ना, सेंटर में आपका ये किस पे होता है, स्लीव पे होता है, ये आपका स्लीव हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका दो बेरिंग होता है, फर्स्ट वॉल बेरिंग होता है, ठीक है, ये आपका ये और ये आपका टेल स्टॉक हो गया, ये क्या हो गया टेल स्टॉक, टेल स्टॉक, ठीक है। अब क्या होता है, ये आपका टेल स्टॉक, यहां पे इसको ये क्या होता है आपका डेड सेंटर भी कहलाता है, इसको हम लोग डेड सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है इसको आगे पीछे करने के लिए, इस डेड सेंटर को आगे पीछे करने के लिए एक आपका हैंडल होता है, इस तरह का आपका हैंडल, ठीक है, ये हैंडल हो गया आपका, इसका टू फॉरवर्ड और रिवर्स, फॉरवर्ड और रिवर्स मूवमेंट ऑफ, रिवर्स मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट ऑफ टेल स्टॉक स्लीव, टेल स्टॉक स्लीव, टेल स्टॉक स्लीव को आगे पीछे करने के लिए ये आपका हैंडल होता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि ये हेड स्टॉक आपका ये जो होता है यहाँ पे बेल्ट होता है, ठीक है ना, मतलब कि ये जो आपका टेल स्टॉक जो होता है ये बेल्ट पे ही आपका प्लेस होता है, माउंटेड होता है, ठीक है ना, ये आपका बेल हो गया, ये आपका बेल हो गया, ठीक है, ये आपका बेल हो गया, मतलब बेल आपका वी शेप में होता है, बेल और फ्लैट होता है, वी और फ्लैट दोनों आपका होता है, वी भी होता है, वी और फ्लैट, ठीक है, मतलब कि इसके बेस में आपका इस तरीके का फ्लैट पोर्शन भी कटा होगा और आपका वी पोर्शन भी ऐसे कटा होगा, ठीक है, तो ये आपका बॉन्डेड होता है इस पे, मतलब कि ये आपका फ्लैट पोर्शन हो गया और इधर आपका वी पोर्शन हो गया, इस साइड में आपका वी पोर्शन हो गया, तो ये इस पे मैच किया रहेगा, ये इस पे मैच करेगा, ठीक है ना। आप मतलब कि इसको 3D डायग्राम में देखो तो आप इसको मूव कर दो इस तरीके से, यहाँ पे आपका वी आ जाएगा, इधर फ्लैट आ जाएगा, ठीक है ना, तो बेल्ट पे प्रॉपर आपका लुब्रिकेशन आता है, मतलब एक वाइट फिल्म आता है, इस पे पूरा एक वाइट फिल्म रहेगा बेल्ट पे, और ये जो होता है ये गाइड से, गाइड के थ्रू आपका जो होता है, जो टेल स्टॉक होता है, गाइड के थ्रू आपका
गाइड के थ्रू टाइट रहता है, ठीक है। मतलब है कि इसमें कोई आपका मतलब गाइड क्या करता है इसको आपका लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल आपका इस पाथ पे इस बेल्ट पे स्टेन स्ट्रोक का हो, इसके लिए वो गाइड प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो होता है यहाँ पे गाइड होता है, दोनों साइड आपका गाइड लगा होता है, दोनों इंड आपका अगर फ्लैट है तो एक इस तरफ गाइड लगा होगा, एक इस तरफ गाइड लगा होगा, दोनों तरफ गाइड लगा हुआ। ये आपका गाइड को शो कर दो यहाँ पे, ये आपका गाइड हो गया, ये आपका गाइड हो गया। अब आता है आपका बेल्ट के बाद क्या आता है, बेल्ट के बाद आता है आपका मतलब ये हेड स्टॉक में के बाद आता है, हेड स्टॉक के नीचे आपका आता है ये आता है फीड गियर बॉक्स आता है, फीड गियर बॉक्स, ठीक है। फीड गियर बॉक्स के साथ आपका अटैच होता है, फीड गियर बॉक्स से दो शाफ्ट निकला होता है, एक शाफ्ट ये और एक शाफ्ट ये, तो और इसमें बाय द होलो कपलिंग आपका अटैच रहता है, एक लीड स्क्रू आएगा, एक लीड स्क्रू आएगा, ये आपका लीड स्क्रू है, एक लीड स्क्रू आएगा ऐसे, और इंड ब्रैकेट के थ्रू क्या होगा, इंड ब्रैकेट के थ्रू मतलब आप आगे जाओ और ये आपका यहां पे इंड ब्रैकेट होगा, इस तरीके का ब्रैकेट होगा, ठीक है। तो यहां पे आपका इन ब्रैकेट में और इसको कहेंगे इंड ब्रैकेट, इंड ब्रैकेट, ये क्या है आपका लीड स्क्रू है, तो इस पे थ्रेड होगा आपका, ये थ्रेड को आप शो करो इस तरीके से, इस तरीके से आप थ्रेड को शो करो, ये आपका थ्रेड को शो कर रहे हैं, और दूसरा शाफ्ट आपका आता है वो आपका आता है, ये भी कपलिंग से अटैच होगा, और दूसरा आता है फीड रड, फीड रड आपका एक रड होगा, ट्रांसमिटिंग रड होगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका हो गया लीड स्क्रू और ये हो गया आपका फीड रड, आई बात समझ में। अब क्या होता है कि इसमें है ना, जो आपका आपका बेड तो आपका क्या हो गया, बेड आपका, बेड आपका यहां पे आ गया, यहां पे आपका फ्लैट और वी बेड आ गया। अब क्या होता है कि इसके बाद यहाँ पे इस पोर्शन पे इस तरीके से बेड के नीचे वाले पोर्शन में इस तरह का आपका थ्रेड बना होता है, इस तरह का थ्रेड आपका बना होता है, रैक बना होता है, थ्रेड नहीं, इसको हम लोग कहेंगे रैक, ठीक है ना। और रैक के साथ आपका कैरिज का पिनियन मैचिंग होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका रैक हो गया, कहां पे आपका होता है, जो बेड बेड हो गया ना, फ्लैट बेड के जस्ट नीचे में, ठीक है ना। ये आपका रैक आपका होता है पार्ट बाई पार्ट, एक एक मीटर के डिस्टेंस पे रैक होता है, जो बोर्ड से आपका मतलब एलन बोर्ड से टाइट रहता है, ठीक है। और इसके ऊपर आता है आपका कैरेज, ये आपका कैरेज हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कैरेज हो गया, जो कैरेज हो गया, ठीक है ना। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी दो पार्ट में होता है, ठीक है ना। जो फर्स्ट पार्ट आपका टायर, जो आपका जो हाफ नट आपका इसके साथ इंगेज होता है, हाफ नट होता है, यहाँ पे देखो लीड स्क्रू से इंगेज, और इंगेज रहे आप
थ्रेडिंग मोड के लिए लीड स्क्रू को एंगेज करोगे तब आपका हाफ नट एंगेज होगा, ये आपका हाफ नट होता है, ये आपका हाफ नट होता है, इस तरीके से हाफ नट होता है, ठीक है। इस तरीके से हाफ नट जो होता है वो आपका लीड स्क्रू से एंगेज होगा, तब आपका कैरेज जो होगा आपका थ्रेडिंग, जहां थ्रेडिंग ऑपरेशन करना वो आपका कैरेज थ्रेडिंग मोड में आपका चलेगा। हाफ नट हो गया, हाफ नट एंगेजमेंट, एंगेजमेंट फॉर थ्रेडिंग मोड, थ्रेडिंग मोड, थ्रेडिंग मोड के लिए आपको हाफ नट को बाय द यूज ऑफ लीवर जो होता है, यहां पे एक लीवर लगा होता है, ठीक है। इसमें आप इस डायग्राम में लीवर को प्लॉट कर पाना मुश्किल है, इस तरह का लीवर होता, आप नीचे करोगे हाफ नट जाके आपका लीड स्क्रू में एंगेज हो जाएगा। तो जब थ्रेडिंग मोड में जहां थ्रेड काटना है जॉब में, तब आपका जो पावर ट्रांसमिशन होगा हेड स्टॉक के थ्रू आपका गियर टेंस की तरह फीड गियरबॉक्स में आएगा, उसके थ्रू आपका लीड स्क्रू में आएगा। तो जो आपका पिच चाहिए वो एक्यूरेट पिच डायमेंशन आपका गियर रेशियो के थ्रू आपको पिच जो होता है वो जॉब में मिल जाता है आपको, ठीक है। तो आपको जहां भी थ्रेडिंग करना, थ्रेडिंग ऑपरेशन करना, यू मस्ट फर्स्ट एंगेज एंगेज द हाफ नट ऑन द लीड स्क्रू। जब तक लीड स्क्रू में हाफ नट एंगेज नहीं होगा, थ्रेडिंग मोड में आपका कैरेज नहीं चलेगा, ठीक है। टर्निंग मोड में क्या होता है, टर्निंग मोड में देयर नो एनी एप्लीकेशन ऑफ हाफ नट एंगेजमेंट इन लीड स्क्रू। लीड स्क्रू में हाफ नट का कोई एंगेजमेंट नहीं होता। उसमें क्या होता है कि कैरेज मोटर, यहाँ पे एक मोटर लगा होता है, ठीक है, ये आपका डीसी मोटर हो गया, डीसी मोटर। तो यहां से क्या होता है, ये पावर हमको मिलता है आपका कैरेज की, आपका गियर ड्राइव में, ठीक है। इसको कहते हैं, इस पोर्शन को, बॉटम पोर्शन को दो पार्ट में होता है, दो पार्ट में, यहाँ पे बोल्टिंग होता है और यहाँ आपका बोल्टिंग होता है। तो नीचे के पार्ट को बोलते हैं एप्रॉन, एप्रॉन, ऊपर पार्ट को बोलते हैं क्रॉस लाइट, क्रॉस लाइट। दो पार्ट में हो गया और कंप्लीट एप्रॉन प्लस क्रॉस लाइट को हम लोग कह दिए आपको क्या, कैरेज। दोनों का जो आपका कॉम्बिनेशन हो गया डेट इज द कैरेज, ठीक है। तो जब आप डीसी मोटर यूज कर रहे हैं, आप डीसी मोटर से पावर आपका गियर ट्रेंस में गया, तो गियर ट्रेंस में आपका टर्निंग मोड में चलाने के लिए क्या होता है कि इसमें इस रैक के साथ आपका पिनियन का मैचिंग होगा, इस तरह का पिनियन मैच करेगा। ये पिनियन से कहां से पावर आपका मिल रहा है, आपका कैरेज के मोटर से, कैरेज के गियर ट्रेन से पावर मिल रहा है आपका पिनियन में। तो पिनियन से आपका मैचिंग किसके साथ हो गया, रैक के साथ हो गया। तो ये पूरा कैरेज जो होता है वो टर्निंग मोड में थ्रू द, टर्निंग मोड में किसके थ्रू चलेगा, टर्निंग मोड में जो चलेगा किसके थ्रू चलेगा, रैक एंड पिनियन के थ्रू चलेगा, रैक एंड पिनियन। रैक कहां माउंटेड होता है, आपका जो बेड होता है उसके जस्ट नीचे माउंटेड होता है, और पिनियन कहां होता है, वो कैरेज का आपका जो आउट, जो आउट पोर्शन, जो आपका पावर ट्रांसमिशन हो गया वो आपका पिनियन में आता है। तो पिनियन आपका रैक के साथ आपका मैच है, तो वो आपका पूरा कैरेज जो होता है वो टर्निंग मूवमेंट में, टर्निंग मोड में आपका मूवमेंट करता है थ्रू द आपका रैक एंड पिनियन, है ना, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म के थ्रू, मैकेनिज्म, ठीक है। आप बात एक चीज क्लियर हो गया, ये एग्जाम में आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप जाओगे तो बोलेगा कि भाई लेज में जो आपका टर्निंग मोड होता है उसमें आपका पावर कैरेज का जो मूवमेंट होता है किसके थ्रू आता है, सबसे पहला आपका देना है रैक एंड पिनियन, ऑप्शन आएगा उसमें आपका बिल्कुल गोल कर देना, ठीक है ना। रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म के थ्रू ही टर्निंग मोड में कैरेज का मूवमेंट होगा। अगर थ्रेडिंग मोड में आपका जो पावर ट्रांसमिशन होगा किसके थ्रू होगा आपका, वो आपका हेड स्टॉक से फीड गियर बॉक्स में पावर आएगा, और फीड गियर बॉक्स से लीड स्क्रू में पावर जाएगा, और लीड स्क्रू के साथ इंगेज होगा आपका हाफ नट, और जब हाफ नट इंगेज होगा तो ये पूरा जो कैरेज होगा ना वो आपको मूव करेगा। कैसा मूव करेगा, देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें जो आपका एक्सिस होता है टर्निंग में तीन एक्सिस होता है, समझ ला, टर्निंग ऑपरेशन में तीन एक्सेस होता है, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट एक्स को कहते हैं। वाई इज द ट्रांसवर्स मूवमेंट,
ट्रांसवर्स मूवमेंट, और आपका जेड क्या हो गया, लेटरल मूवमेंट। लेटरल ये तीन तरह का मूवमेंट हुआ, ठीक है ना। कौन कौन सा मूवमेंट हो गया, पहला हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, सेकेंड वन इज द ट्रांसवर्स मूवमेंट, और थर्ड वन इज द लेटरल मूवमेंट। अब कैसा होता है देखो, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट में कैरेज आपका पूरा मूव करेगा, ठीक है। कैरेज जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मूव करेगा, मतलब पूरा कैरेज जो है ना बेड पे इस तरह का मूवमेंट होगा, ठीक है। इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ठीक है। और आपका वाई हो गया ट्रांसवर्स मूवमेंट ऑफ क्रॉस लाइट, क्रॉस लाइट का ट्रांसवर्ड मूवमेंट होगा, मतलब कि क्रॉस लाइट जो होगा, ये जो क्रॉस लाइट होगा वो आपका ऐसे मूव करेगा, ठीक है ना, ऐसे मूव करेगा, ठीक है। और जेड इज द लेटरल, लेटरल में क्या होता है ना, जो आपका टूल का जो फीड दोगे ना वो लेटरली होता है आपका, ठीक है ना। ये आपका पूरा आपका क्रॉस लाइट आपका मूव किया ट्रांसवर्स, और एक मूवमेंट जो आता है ये देखो, इसको यहां पे आप समझ लो, ये आपका टूल पोस्ट है ना, टूल पोस्ट का ये भी मूवमेंट होगा और टूल पोस्ट आपका ऐसे भी मूव करेगा। तो ये आपका जो मूवमेंट होगा ये आपका ट्रांसवर्स मूवमेंट होगा, दिस वन इज द आपका लेटरल मूवमेंट, ठीक है। तो लेटरल मूवमेंट भी आपका होता है, ये तीन एक्सिस पे आपका मशीन जनरली काम करता है टर्निंग ऑपरेशन में, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड लेटरल मूवमेंट ऑफ, है ना, लेटरल मूवमेंट ऑफ द टूल पोस्ट, या फिर आप उसको कह सकते हो क्रॉस लाइट भी कह सकते हो, क्रॉस लाइट के ऊपर ही आपका टूल पोस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, है ना, फीड गियर बॉक्स। अब क्या होता है कि जब आप जॉब इस पे सेंटर टू सेंटर आप जॉब को बांधते हो, ठीक है, मतलब क्लैंप करते हो, ठीक है। यहाँ पे तो जॉब के थ्रू आपको टाइट हो गया, प्लस इसको होल्ड कर रहा है, इसको आपका ये डेड सेंटर आपका जो है ये सेंटर है, उसको आपको जॉब को होल्ड करके रखा है, ठीक है ना, होल्ड कर दिया आपको जॉब को। अब क्या होता है कि सबसे पहले आपको जॉब ऑपरेशन करने से पहले, हमारे टर्निंग ऑपरेशन करना, तो ऑपरेटर सबसे पहले जॉब को मिलाता है कि इस एक्सिस पे जॉब है कि नहीं। कैसे मिलाएगा आपका, पहले आपका डायल गेज को लगाएगा टूल पोस्ट में। डायल गेज देखे हो कभी, डायल गेज होता है, डायल गेज को लगाएगा, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, वो ब्रेक आपका जहां भी एब्रेसिव पार्टिकल्स होगा या जिग एंड जैग आपका मेटेरियल होगा वहां पे प्रेशर डेवलप होगा, और आपका जो डायल इंडिकेटर है वो आपका डेविएशन को शो करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले डायल गेज को यहाँ पे लगाए, यहाँ पे लगाने के बाद हम लोग क्या किए, टर्निंग में, मतलब कि कैरेज को फीड में दो मोशन होता है, एक आपका रेपिड मोशन होता है, कैरेज का दो मोशन होता है, कैरेज का दो मोशन होता है, देख लो कैरेज का दो मोशन होता है, कैरेज मोशन। कौन कौन सा मोशन होता है, एक होता है रैपिड और दूसरा होता है फीड, ठीक है। तो रैपिड के लिए क्या होता है कि डायरेक्ट एक मोटर जो होता है, रैपिड मोटर यहां लगा होता है, जो फीड रड के थ्रू आपका पावर जाता है, राइट, बात आ गई समझ में। यहां पे रैपिड मोटर होता है, रैपिड का मतलब होता है तेजी से चलना, ठीक है, और फीड का मतलब होता है स्लोली स्लोली चलना, ठीक है ना। तब क्या होता है कि रैपिड मोटर के थ्रू क्या हो गया कि फीड रड आपका मूवमेंट आया, फीड रड पूरा मूव किया, तेजी से मूव किया, तो ये कैरेज जो होगा हमारा तेजी से टुवर्ड द सेंटर एंड आउटवर्ड द सेंटर आपका मूव करेगा। दूसरा आपका आता है फीड, फीड के लिए आपका कैरेज मोटर से चलेगा, यही आपका रैक और पिनियन जो होगा उसके थ्रू आपका पावर ट्रांसमिट होगा, ठीक है। मतलब कि आपका जो पावर जो जाएगा, पावर जो डेवलप करेगा, ये आपका डीसी मोटर जो कैरेज में लगा, इसको हम लोग फीड मोटर भी कहते हैं, फीड मोटर, इसके थ्रू आपका रैक एंड पिनियन में पावर आपका ट्रांसमिट होगा, ठीक है। पावर यहाँ किसके थ्रू जा रहा है, रैपिड मीटर के थ्रू पावर आपका गियर ड्रिल्स में गया, उसके बाद रैक एंड पिनियन के थ्रू गया, तब आपका रैपिड मूवमेंट हुआ। फीड के लिए फीड मोटर आपका कैरेज में लगा है, और इस फीड मोटर के थ्रू क्या हो गया, आपका मूवमेंट हो गया, पूरा आपका कैरेज जो होगा फीड में आपका मूवमेंट करेगा। तो डायल गेज के थ्रू हम लोग पहले क्या हो गया कि इसको यहां से डायल गेज को लगाए, और डायल गेज कहां पे लगाए, टूल पोस्ट पे डायल गेज को लगाए, 1 mm का प्रेशर आपका मेंशन कर दिया डायल गेज, इसके बाद डायल गेज को हम लोग जीरो कर लिए। इसके बाद क्या होता है कि यहां से डायल गेज को स्टार्ट करते हैं इस पोर्शन से, और आपको धीरे धीरे आगे लेके जाते हैं, और हर एक थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लगभग 1
हाफ मीटर पे हम लोग इसका रीडिंग लेते हैं कितना। अगर ये 0-0 है डैट मीन्स की ठीक है 0-0 है, डैट मीन्स की ठीक है 0-0 है। अगर यहाँ 0.5 का mm का डिफ्लेक्शन आपका शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जॉब सेंटर टू सेंटर नहीं बंधा है, ठीक है। तब क्या होगा कि अगर आप इसमें टर्निंग ऑपरेशन करोगे तब क्या प्रॉब्लम आएगा कि आपका जॉब खराब हो जाएगा, ठीक है। एक्यूरेसी, जॉब की एक्यूरेसी आपको नहीं मिल पाएगी, जो टर्निंग एक्यूरेसी एज पर ड्राइंग चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगी। तब क्या होता है कि हम लोग सेटिंग करते हैं, पहला क्या हो गया कि आपका यहाँ पर डाई लगाए, मतलब है कि जॉब जो है आपका जॉब थोड़ा सेंटर टू सेंटर ना होकर टिल्डेड है। तब क्या करते हैं ये तो सबसे एक्यूरेट आपका चेकिंग आपका ये है प्रोसीजर है, ठीक है। बहुत सारे ऑपरेटर क्या करते हैं कि डायल गेज का इस्तेमाल नहीं करते, अगर रफ जॉब है तो क्या करते हैं कि इस पूरे आपका टेल स्टॉकर्स को उठा के यहाँ पे लेके आते हैं और ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। जब देखते हैं कि दोनों आपका दोनों का जो पॉइंट है आपका ये दोनों पॉइंट एक पॉइंट पे मैच किया, सेम पॉइंट पे मैच कर रहा है, दैट मींस कि हमारा सेंटर टू सेंटर आपका जो है वो एक्सिस जो है वो सेम है आपका, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कि डायल गेज में आता है 0.5 mm का डिफ्लेक्शन आता है, तब कैसे तो ये एडजस्टेबल होता है, इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। मतलब है कि पूरा टूल पोस्ट को हम लोग आपका है ना वहां पे आपका लीड स्क्रू होता है, लीड स्क्रू से मूवमेंट देके क्लैंपिंग को लूज करके और लीड स्क्रू से कैरेज का मूवमेंट करते हैं और इसको 0-0 हम लोग पहले कर लेते हैं, डायल गेज को चेक करते रहेंगे चला गया कहां 0 आया, उसके बाद इसको क्लैंप कर देंगे, तब हमारा यहाँ पे 0-0 आपका मिल जाएगा, तब हमको एक्यूरेट जो है वो जॉब हम लोग जो है उसको बना सकते हैं इस प्रोसीजर के थ्रू। तो इसमें करना ही है जब भी आपका दूसरा होता है रोटेशन, क्या होता है जॉब का, इसमें क्या होता है कि जॉब को हम लोग क्या करते हैं रोटेट करते हैं, हमारा टूल फिक्स होता है, ठीक है, टूल में कोई रोटेशन नहीं होता, हम लोग जॉब को रोटेट करते हैं। तो क्या होता है कि इसमें मोस्ट प्रोबेबली क्या होता कि मोबिलिटी आता है, मोबिलिटी अगर मान लिया कि आपका ये ओवल चलेगा, ठीक है, चेक ओवल चल रहा है या सेंटर में ओबिलिटी है, सेंटर ओवल चल रहा है, तब क्या होता है कि जॉब में आपका यहाँ पे डायल गेज लगाओगे ना तो ओबिलिटी आएगा, मान लिया कि 0.02 mm का, ये तो माइनर है, अगर मान लिया 0.2 mm का ओबिलिटी आया तो भी आपको इसको एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करोगे, तो इसके सेंटर का चेक नेट के थ्रू हम लोग इसकी एबिलिटी को एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना, ये पूरा चेक का एबिलिटी है, इस चेक नेट के थ्रू हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं 0-0 मिला के, तब फिर हम लोग जॉब को टर्निंग जो भी ऑपरेशन है आपका इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है जो आपका ड्यूरिंग द ऑपरेशन आपका चिप्स जनरेट होता है, तो चिप्स के लिए आपका एक कंटेनर बना होता है, यहाँ पे आपका कंटेनर होता है, ठीक है, बेड पे आपका चिप्स आ गया या फिर एक कंटेनर आपका यहाँ पे बेड के नीचे आपका इसमें इस तरीके का यहाँ पे आपको शो कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इस तरह का चिप्स का कन्वेयर आपका कंटेनर होता है, चिप्स कंटेनर, ताकि जो भी चिप्स आपका आया कंटेनर में आएगा उसको हम लोग कंटेनर को खोल के कंटेनर को बाहर निकालेंगे, चिप्स को बाहर निकालेंगे। बेड में अगर चिप्स आएगा तो क्या होगा कि आपका जो क्योंकि ये बहुत स्मूथ सरफेस होता है बेड का, ठीक है, इसमें लुब्रिकेटेड सरफेस होता है, लुब्रिकेशन होता है इसमें प्रॉपर, अगर प्रॉपर चिप्स आ जाएगा तो क्या होगा कि लुब्रिकेशन हमारा ब्रेक करेगा, लुब्रिकेशन सिस्टम को डैमेज करेगा, जब लुब्रिकेशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन डेवलप होगा तो हमारे पार्ट्स को इसको घिस देगा, तो क्या होगा कि ये जो आपका एक्सिस है तीनों एक्सिस जो है ये एक्सिस और ये एक्सिस आपका है ना, ये भी एक्सिस आप टूल का भी एक्सिस से मैच करना चाहिए, वो आपका डेविएशन आ जाएगा तो जॉब पे इसका असर दिखेगा, इसलिए ये सारी एक्यूरेसी लेंथ में एक्यूरेसी बहुत हाई रखी जाती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब देख लो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो हम लोग है यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे आपका चक को अरेस्ट करने के लिए एक लीवर होता है, ठीक है, इस तरह का लीवर होता है, इसको आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट दोगे, क्लॉकवाइज दोगे तो ये आपका फ्री होगा, एंटी क्लॉकवाइज दोगे तो ये आपका एंगेज होगा, तो ऑपरेटर घुमाने के लिए क्या करता है इसको एंगेज करता है और डिसएंगेज करता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका गियर चेंजिंग मैकेनिज्म आता है, उसका लीवर आता है, डिफरेंट गियर को हम लोग डिफरेंट रेशियो में आपका चेंज करते हैं, इससे क्या होता है इसका आरपीएम जो होता है वो आपका चेंज होता है, इसका आरपीएम चेंज होता है, चक का आरपीएम चेंज होता है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका गियर ट्रेंस लगे होते हैं, ठीक है, गियर ट्रेंस होता है, रिड्यूसर गियर बॉक्स इसलिए कहा गया
क्योंकि पावर को रिड्यूस करके आउटपुट देता है, ठीक है ना, पावर को रिड्यूस करके आउटपुट देता है, इसलिए आपका इसको हम लोग गियर ट्रेंस के लिए डाल दिए हैं, इस तरह, ठीक है। इसको फीड गियर बॉक्स या रिड्यूसर गियर बॉक्स भी कहते हैं, फीड गियर बॉक्स या फिर रिड्यूसर गियर बॉक्स। अब हेड स्टॉक ड्राइव के लिए क्या होता है, क्या होता है, चेक कैसे मूव करेंगे करेगा, यहाँ पे आपका एक आपका मोटर लगा होता है, इसको आपको बोलते हैं चक रोटेशन मोटर, चक रोटेशन मोटर। तो ये जो है आपका एक काइनेमेटिक डायग्राम ऑफ द लेथ है, ठीक है ना, काइनेमेटिक डायग्राम ऑफ लेथ बहुत है ना, इसमें पूरा आपको 10 दिन क्लास भी करेंगे बहुत कम पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है इस लेथ मशीन में जो आता है इसका आपका फाउंडेशन आता है, ठीक है ना, लेथ मशीन पे फाउंडेशन आता है, यहाँ पे फाउंडेशन बेस होता है, आप इसको फाउंडेशन डाल दो, ठीक है, ये फाउंडेशन ऑफ लेथ हो गया, फाउंडेशन ऑफ लेथ। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लंबा आपका लीड स्क्रू है तब यहाँ पे स्टडी रेस्ट लगे होते हैं, ठीक है। स्टडी रेस्ट किस तरह का होता है, देखो किस तरह का स्टडी रेस्ट होता है, ये स्टडी रेस्ट कहते हैं उसको, सपोर्ट प्लेट कहते हैं, नॉट स्टडी रेस्ट, सपोर्ट प्लेट कहते हैं, किस तरह का होता है, इस टाइप का होता है, देखो इस तरह का, ठीक है। इससे आपका लीड स्क्रू पास करता है, ऐसे जाता है लीड स्क्रू, ठीक है, ऐसे जाता है लीड स्क्रू, ये आपका सपोर्ट होता है, सपोर्ट राइट प्लेट ऑफ लीड स्क्रू। लीड स्क्रू को बहुत सारे लगे होते हैं, लंबा स्क्रू है तो 10-12 लगे होते हैं, 5-6-7-8 इस तरीके, ताकि इसमें क्या होता है कि लंबा लीड स्क्रू है तो इसमें क्या होता है कि ड्यू टू द आपका वेट क्या होता है, इसमें आपका अब मतलब ये बेंड करने की टेंडेंसी को ये आपका ब्रेक करता है, ठीक है, तब आपका थ्रेड में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसका जरूरी है। प्लस क्या होता है, जॉब लंबा है तब स्टडी रेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, इसका आपका स्टडी रेस्ट होता है, दो पार्ट में होता है, ठीक है, और इसको ऐसे क्लैंप किया जाता है, ठीक है, स्टडी रेस्ट, इससे जॉब आपको, जॉब को ये सपोर्ट देता है, ये अगर जॉब है ये जॉब को आपको सपोर्ट देता है, ठीक है, ये स्टडी रेस्ट हो गया, स्टडी रेस्ट, ठीक है, ये जॉब को होल्ड करके रखता है ना, और ये जॉब आपका इसमें ऐसे क्लैंप होता है, और ये एक सेंटर सेंटर बनाया जाता है इसका, दोनों एंड में सेंटर रहता है, सेंटर बनाया जाता है, ठीक है। ये आपका टोटल काइनेमेटिकल डायग्राम ऑफ द लेथ मशीन है। अब इसका देखेंगे हम लोग क्या क्या ऑपरेशन होता है, देखो ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेशन ऑफ लेथ मशीन, लेथ मशीन का क्या ऑपरेशन कॉन्फ़िगरेशन है वो देख लो, ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेथ मशीन। ऑपरेशन पहले क्या ऑपरेशन है, टर्निंग, पहला नंबर देख लो टर्निंग, टर्निंग क्या होता है, ये क्या हो गया आपका, ये आपका चक हो गया, ठीक है, और ये आपका आ गया चक, चक हो गया, और ये आपका आ गया हेड स्टॉक, ये आपका चक। इसके बाद आता है ये सेंटर, ये सेंटर हो गया, और ये आ गया आपका, ये आपका जॉ आ गया,
राजा हो गया। और इसमें क्या आया आपका जॉब आया, इसमें जॉब आया आपका, फिर इसके बाद क्या हो गया, ये आपका टेल स्टॉप, टेल स्टॉप, और ये आपका टेल स्टॉप सेंटर, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि इसको आपको टर्निंग करना, ठीक है, ठीक है। टर्निंग में पहला हम लोग करते हैं, टर्निंग का मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ मटेरियल, रिमूवल ऑफ मटेरियल, रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द आउटरमोस्ट सर्फेस ऑफ द, आउटरमोस्ट सर्फेस ऑफ द जॉब, सर्फेस ऑफ द जॉब, किसी जॉब के आउटरमोस्ट सर्फेस से मटेरियल को रिमूव करना, दैट इज द नॉन ऑपरेशन इज नॉन एज द आपका टर्निंग ऑपरेशन। तो यहां पे क्या होता है कि एक आपका कटिंग टूल को लगाते हैं, ठीक है, कैरेज के साथ आपका जो आपका टूल पोस्ट होगा, है ना, इसके बाद आप इसको एक रोटेशन दे रहे हैं, ठीक है। ये कटिंग टूल क्या हो गया, पहला तो आपका लॉन्गिट्यूडनल फीड होगा, लॉन्गिट्यूडनल फीड, और दूसरा क्या होगा आपका डेप्थ ऑफ कट। तो डेप्थ ऑफ कट का मतलब हो गया कि टूल आपका ऐसे ऐसे जाएगा, आपका इस तरीके से आपका प्रेस करेगा, तो इसको कहते हैं डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट। तो इस केस में क्या होगा आपका चिप्स के फॉर्मेशन में, मतलब चिप्स फॉर्मेशन आपका मटेरियल रिड्यूस होगा, चिप्स फॉर्मेशन मटेरियल टर्न होगा, मटेरियल टेकन आउट फ्रॉम द जॉब। तो क्या एक चीज बताओ आपको इस चीज में कि रिमूवल ऑफ मटेरियल जो होगा, तो एक्चुअल इसका डायमीटर था डी, अब टर्निंग होने के बाद आपका आ गया मटेरियल, है ना, ये आपका टर्निंग हो गया, तो ये आपका आ गया स्मॉल डी, ठीक है, स्मॉल डी आ गया। तो क्या होता है कि टर्निंग ऑपरेशन में क्या हो गया कि आपका लेंथ कांस्टेंट होगा, जॉब का लेंथ, लेंथ कांस्टेंट होगा, बट क्या होगा, है ना, बट क्या होगा, लेंथ कांस्टेंट होगा, लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन आपका डायमीटर जो होगा डाया, ये क्या होगा आपका रिड्यूस करेगा। तो ये आपका टर्निंग ऑपरेशन है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है टेपर टर्निंग, देख लो, इसके बाद आता है टेपर टर्निंग, ये आपका जॉब है, सपोज दैट ये आपका एक जॉब है, इसको आपको टेपर टर्निंग करना, ठीक है, टेपर टर्निंग करना, क्या ऑपरेशन करना, टेपर टर्निंग, नाम से ही क्लियर हो रहा। तो इस सर्टेन डिस्टेंस तक इसको टेपर करने के लिए क्या होगा कि आपका यहां से ऐसे जॉब बनेगा और ये जॉब ऐसे बनेगा, फिर आपका जॉब ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो होगा, ये आपका पोर्शन जो होगा, ये एंगल थीटा हो गया और ये एंगल आपका थीटा हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली यहां पे लेंथ कितना टर्निंग हो गया आपका, जो लेंथ आपको टर्न करना, मान लिया कि एल लेंथ आपका टर्निंग करना, तो जी एल इज इक्वल टू क्या हो गया, लेंथ ऑफ द, लेंथ ऑफ द टेपर पोर्शन, टेपर पोर्शन, टेपर पोर्शन, टेपर पोर्शन जितना आपका उसका लंबा है उसका आपका लेंथ हो गया एल, ठीक है। थीटा इज दैट एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ टेपरनेस, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, नेशन ऑफ टेपरनेस,
नेस्ट जितना आपका टेपर करना उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हो गया, ठीक है ना। तब इसमें क्या फार्मूला आता है, ये कैपिटल क्या हो गया, ये कैपिटल डी हो गया, डी इज इक्वल टू क्या हो गया, डायमीटर ऑफ द ओरिजिनल वर्क पीस, डाया ऑफ ओरिजिनल वर्क पीस, ओरिजिनल वर्क पीस एंड स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या हो गया, डाया ऑफ द, डाया ऑफ द टेपर, टेपर वर्क पीस। तब क्या होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है, जो एंगल आपका निकलेगा tan थीटा इज इक्वल टू होता है d कैपिटल d माइनस d अपॉन ट्वाइस l, ये होता है। इसमें आपका थीटा जो एंगल होगा वो आपका निकल जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स d माइनस d अपॉन ट्वाइस l। इससे आपका एंगल ऑफ का इंक्लाइनेशन निकल जाएगा, मतलब आप ऑपरेटर को बताओगे कि इस एंगल पे आपको जॉब को टेपर काटना है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया टेपर टर्निंग का, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रूविंग, ग्रूव करना, ठीक है ना। क्या आता है ग्रूविंग, ग्रूविंग इसको हम लोग पार्टिंग भी कह सकते हैं, दो पार्ट में अलग करना जॉब को, या फिर आपका स्टेपिंग भी कह सकते हैं, स्टेप बनाना, ठीक है ना, स्टेपिंग भी कह सकते हैं, ये सेम चीज है, ठीक है। कोई भी जॉब है, ये आपका जॉब है, मान लिया कि ये आपका जॉब है, तो इस जॉब को दो पार्ट में आपको बनाना है। तो सबसे पहले एक टूल को लगाए, और लगाने के बाद आपका लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट भी जाएगा, है ना। इसमें लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको पार्टिंग करना है। तो पार्टिंग करने में आपका टूल को हम लोग फिक्स कर दिए, और सिर्फ आपका जो आपका ट्रांसवर्स मूवमेंट ऑफ द टूल आपको हम लोग देंगे, ठीक है। तब क्या होगा कि यहां से आपका दो पार्ट में ये आपका अलग हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा और एक पार्ट ये हो जाएगा, यही आपका ग्रूविंग। पार्टिंग पार्टिंग हुई होगी, ग्रूविंग स्टेपिंग, मान लिया कि सिर्फ स्टेप बनाना है, इस तरीके से सिर्फ स्टेप बनाना है। ये आपका जो स्टेप है, ये जो स्टेप है, ये भी इसके थ्रू ही आपका बनेगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहां तक कंप्लीट किए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और सारे ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग देखेंगे। तो आज के क्लास हम लोग यहीं पे एंडिंग करते हैं, है ना। तो परसों क्लास होगा।